हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरों में जलन के कारण बनने वाली चार अलग अलग बीमारियों के बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर घरेलू इलाज के बारे में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि उनके पैरों में जलन हो रही है, जो कि आम बात है। ये परेशानी पानी की कमी, डाइजेशन में गड़बड़ी, एसिड का बढ़ जाने के कारण हो सकती है। लेकिन आपको पैरों में जलन अगर लगातार महसूस हो रही है तो फिर आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। पैरों में जलन चार अलग अलग गंभीर बीमारियों का सिग्नल होता है। अगर पैरों में के तलवों में लगातार जलन महसूस होती है तो इसका मतलब है कि जिस्म में विटामिन बी की कमी हो गई है। इसके कारण मरीज के मसल्स में खिंचाव और दर्द भी महसूस होता है। ऐसे में आपको विटामिन बी वाले फूड्स का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बीमारी जिसके कारण पैरों में जलन हो सकती है वो है थायराइड की बीमारी। पैरों में जलन और झुनझुनाहट का रहना ये थायराइड कम होने की कंडीशन बताता है, इसलिए आपको इस पर अलर्ट होना चाहिए। बहुत बार लोगों का थायराइड की तरफ ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ में बढ़ी हुई शुगर भी पैरों में जलन और झुनझुनाहट पैदा करने का कारण बन सकती है। ये ब्लड वेसल्स की दीवारों को कमज़ोर कर देती है, जिससे आपकी नर्व्स को ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई पैदा होती है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर भी पैरों में जलन महसूस करा सकती है। इसके कारण स्किन टोन में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण पैर में जलन और झुनझुनाहट महसूस हो सकती है। दोस्तों, आप पैरों में हो रही जलन को कुछ घरेलू उपायों की मदद से कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। पैरों के तलवे में जलन दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एप्पल साइडर। पैरों के तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए एप्पल साइडर बहुत ही कारगर है। असल में एप्पल साइडर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को नष्ट कर सकती है। एप्पल साइडर को यूज़ करने के लिए आप गुनगुने पानी में एप्पल साइडर को मिक्स कर लें, और अब इस मिश्रण को अपने पैरों पर कुछ देर तक डुबा के रख लें। इससे न सिर्फ पैरों के तलवे में हो रही जलन कम होंगी, बल्कि एथलीट फुट जैसी बीमारियों भी में राहत मिलेंगी। पैरों के तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए आप अपने पैरों को ऑयल से मालिश भी कर सकते हैं। मालिश करने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ऐसे में जब आप पैरों में हो रही जलन को कम करने के लिए मालिश करते हैं तो उस बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ पर जलन कम हो जाती है। इसके अलावा पैरों की दूसरी बीमारियों में भी इससे राहत मिलती है। दोस्तों, 2015 में हुए एक स्टडी के हिसाब से पैरों की मालिश से डायबिटिक्स न्यूरोपैथी वाले लोगों को भी उस कंडीशन में सुधार देखे गया है। दोस्तों, इसके अलावा आप पैरों के तलवे की जलन दूर करने के लिए दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों के तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए दही बहुत ही कारगर साबित होता है। दही न सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, बल्कि ये स्किन, हेयर और पेट की कई बीमारियों में काम आता है। दही में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कई तरीके के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा ये तलवे में हो रही जलन को भी कम करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। दोस्तों, पैर के तलवे की जलन दूर करने के लिए आप सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों के तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए लोग अक्सर सफ़ेद नमक को गुनगुने पानी में मिक्स करके इसमें पैर कुछ देर तक डुबो कर रखते हैं, ताकि ये तकलीफ़ कम हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि पैरों के तलवे में खुजली को कम करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पैरों के लिए जिस सेंधा नमक का इस्तेमाल की बात लोग करते हैं या करते हैं, वो आम सेंधा नमक से अलग होता है। इसे असल में एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैग्नीशियम और सल्फर से भरपूर होता है। गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट मिक्स करके पैरों को भिगोने से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के अलावा पैरों के तलवे की जलन दूर करने के लिए आप मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जलन को दूर करने के लिए मेहंदी काफ़ी कारगर और पुराना फार्मूला है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रात के समय पैरों के ऊपर मेहंदी लगा लें और सुबह उठकर उसे धो लें। इससे पैरों में जलन, खुजली और स्किन से जुड़ी कई समस्या से राहत मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी पैरों में जलन के कारण और उसे दूर करने के लिए कुछ घरेलू इलाज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।